नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमानी। उत्तर प्रदेश में बुधवार यानी आज योगी सरकार ने स्कूलों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों को शाम को एक घंटे के लिए खोला जाएगा, जिसमें वहां पढ़ने वाले बच्चे चंद्रयान 3 की लैंडिंग को स्कूल में TV या फिर YouTube चैनल पर लाइव टेलीकास्ट यानी सीधे प्रसारण के जरिए देख सकेंगे। आपको बता दें कि यह पहला मौका होगा जब यूपी के स्कूल किसी खास मकसद के तहत पहली बार शाम को खुलेंगे। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से मिले निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने इस प्रसारण के लिए स्कूलों को सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा स्कूलों में चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, जिसमें यूपी सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में बेसिक शिक्षा के सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह आधिकारिक YouTube चैनल और DD न्यूज का प्रसारण अपने स्कूलों में करें और बच्चों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव दिखाएं। सरकारी आदेश में लिखा है कि विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ शाम 5:15 से 6:15 तक विशेष सभा कराएं, जिसके लिए उन्होंने इस सभा में शामिल होने के लिए जरूरी निर्देश जारी करें। आपको बता दें कि 23 अगस्त 2023 को शाम 5:30 चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण इसरो की वेबसाइट और इसरो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर किया जाएगा। वहीं इसे लेकर स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी को इसरो के अभियान चंद्रयान 3 के कामयाब रहने की उम्मीद है। वहीं रूस के लूना की चांद पर क्रैश लैंडिंग के बाद अब पूरी दुनिया की निगाह भारत के चंद्रयान की ओर है। ऐसे में पूरे देश में बड़े उत्साह का माहौल है। यही वजह है कि राज्य सरकार भी यूपी के स्कूली बच्चों को इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का गवाह बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।